हेलो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम आपको आज बताने वाले हैं, ये स्टैंड है, इस पर हम फूल बनाएंगे। तो आपको बताते हैं कैसे बनाना है। तो ये दो कलर का बनाएंगे हम, एक पिंक है और एक वाइट है। तो देखो, इस पर हमें ऐसे धागा इसके अंदर से डालना है ऐसे, और फिर इसको ऐसे इधर से भी और इधर से। देखो, ये हमें छः छः बार लेना, और ये हमारी पतली वाली ऊन है जो हम क्रोशिया से बनाते हैं। तो ये तीन और एक चार, इसको ना ढीला ना ज़्यादा टाइट ऐसे लेना, पाँच और एक छः। अब देखो, ये दूसरा वाला हिस्सा लेना, ऐसे इधर से दूसरा साइड है, और एक इधर वाले साइड से ऐसे लेना, और इसको ऐसे ऐसे दोनों साइड से हम इसको सारे को मतलब इधर से लेंगे इधर की साइड से, और इधर से इधर की साइड, पूरे स्टैंड है ये, इस पर पूरे पे ऐसे छः छः बार लपेट के बना रही है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखो दोस्तों, हम आपको बताते हैं ये कैसे बनाना है। हम ये पूरा एक बार बना लेते हैं, फिर जब दोबारा हम ये छोटे वाले पे लगाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो देखो, ये हमने सारे कुंदों पर हमने छः छः बार इसको धागे को अच्छे से लपेट लिया है, और इसको अब हमने धागा तोड़ के ये सुई में ले लिया। इसको अभी इसको अंदर से इसको ऐसे हमने डाल दिया। अब हम यहाँ पे इसको पहले वाले धागे के साथ नोट लगा देते हैं। हमने ये यहाँ पे छोड़ दिया है, तो अब हम वाइट वाला धागा लेते हैं। देखो, ये हमने वाइट वाला धागा ले लिया, इसको हम ऐसे डालते हैं इधर से, और सॉरी इधर से डालेंगे। ऐसे इधर से हमने इसको ऐसे डाल के छोड़ दिया। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे पकड़ने लायक डालेंगे। ये छोटा वाला जो है, ये अब हम इस पे लगाएंगे ऐसे करके, और ऐसे इस पे भी हम इस पे पांच पांच बार लगाएंगे। उस पे छः छः बार लगाया तो देखो, दो और ये तीन, ये चार, और ये हमारा हो गया पाँच। अब देखो, इसको भी ऐसे बदलेंगे, अब इधर वाले से और इधर वाले से लगाना। ऐसे ही हम सारा कुंदों पे ऐसे लगा लेते हैं। तो देखो, हमने ये वाइट वाला भी पूरा पूरा लपेट लिया है। तो अब हमने इतना बड़ा धागा लिया है, इसको हम ऐसे डालेंगे। देखो, ये हमने यहाँ से डाल दिया है। अब हम इसको एक एक करके, देखो ये जो इसके बीच का है हिस्सा है, इसके अंदर से निकालेंगे, फिर इसको बीचों बीच इसमें दोनों आ जाएंगे, पिंक वाला भी और ये वाइट वाला भी। नीचे से इसमें ऐसे इसको टाइट करके निकालेंगे, खींच के ऐसे हर कुंदे में से हम एक एक बार निकालेंगे। देखो ऐसे, फिर हम अब तीसरे वाले में से निकाल रहे हैं। ऐसे डालना है सुई को,
ताकि दोनों भागों में से सुई निकल जाए, पिंक वाले में से भी और वाइट वाले में से भी। तो दोस्तों बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर भी लगता है देखो, और कम समय में बनके भी तैयार हो जाता है। देखो हम इसको सारा बांध लेते हैं ऐसे ही, हर कुंदे में से निकालेंगे, फिर दिखाते हैं हम आपको ये पूरा फूल ऐसे बांध के हर कुंदे को। तो देखो ये हमारे सारे कुंदे बन गए हैं, तो अब हम इसको ऐसे रख के ऐसे उल्टी तरफ से दबा के इसको हमने इसको निकाल लिया है देखो इससे अलग। तो ये धागा था हमारा जो पहले हमने नीचे निकाला था, उसको इसको हमने नोट मार दिया है, ऐसे लगा दिए ऐसे देखो। अब इसको ये हमारा देखो फूल बनके स्टैंड से हमने उतार लिया बना के। और इसमें हम मोती लगाते हैं, अगर आप चाहो तो छोटा सा फूल बना के भी लगा सकते हो, और इन कुंदों में क्रोशिया से और डिज़ाइन भी डाल सकते हो। अगर ऐसा रखना चाहते हो तो ऐसा भी रह जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो देखो दोस्तों ये हमारा फूल बनके तैयार हो गया है, ये हमने यहाँ पे मोती भी लगा दिया है, और देखो सारी पत्तियाँ अलग अलग हैं। तो आप चाहो तो ये इससे थालपोश वगैरह, टीवी कवर, बेडशीट कुछ भी बना सकते हो। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं थालपोश फूलों का। देखो तो हम सात फूल का थालपोश बनाएंगे। तो हमने दो कलर की ऊन ली है, ये पिंक है और ये वाइट, और ये हमारा स्टैंड है। तो हम स्टैंड पे इस पर बना के बताएंगे कैसे बनाना है। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था इस पर फूल बनाना। देखो इसको ऐसे सीधा सीधा ऐसे छह बार लपेटेंगे, ये तीन चार और पाँच छः, हमारा छः बार हो गया है। तो अब हम इसको ऐसे लपेटेंगे दूसरे पे, इधर की साइड से, इधर से, या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं देखो। फिर अब इधर के इस वाला फंदा पे कुंदा लेंगे, इसे हमें छः छः बार सारे स्टैंड पे ये उनको ऐसे लपेटना है देखो। फिर इसको छोटे वाले पे लपेटेंगे तो तब हम आपको दिखाएंगे। तो देखो हमारा ये पिंक कलर पूरा इस पे स्टैंड पे हमने लपेट दिया है। तो हम इसको ऐसे अंदर से इसके मैं इसको बाहर निकाल के इसमें नॉट लगा दी है। देखो ये हमने लगा दी ऐसे। अब हम वाइट कलर लेंगे जो हमें छोटे वाले पे लगाना है। तो इसको हमें सुई में डाल के ऐसे ऐसे निकालना है। देखो हमने ये निकाल दिया और इसको यहाँ थोड़ा सा पकड़ना है जिससे ये ढीला। फिर इसको मैं ऐसे छोटे वाले जो कुंदे हैं इन पे लगाना है धागा। तो हम इस पर पाँच पाँच बार लगाएंगे, हमने बड़े पे छः छः बार लगाया है, तीन ये चार ये हमारा हो गया पाँच। इसको ऐसे दबा देते हैं जिससे कि ये निकले नहीं,
कई बार ये निकल भी जाते हैं धागे। फिर इसको ऐसे ही लगाएंगे। देखो ये हमारा यहाँ से जैसे हमने उसको लिया था तिरछा, ऐसे ऐसे इसको ऐसे गोल गोल घुमा के और इसको ऐसे हमें सारे कुंदों को इधर से इधर और इधर से इधर ऐसे ही लगाना है। तो देखो हमने ये वाइट वाला भी पूरा छोटे वाले कुंदों पे लगा लिया। तो हमने ये इतना बड़ा धागा तोड़ लिया है वाइट वाले का। यहाँ से इसको सुई में डाल के ऐसे को यहाँ से पकड़े रहना जिससे कि ये निकले नहीं। इसको यहाँ से ऐसे डालना है। फिर देखो ये जो हमने लिए हैं कुंदे इसमें पिंक वाला भी आ रहा है और वाइट वाला भी। हमें फिर यहाँ से अंदर से बीचों बीच इसको डालना है हर कुंदे को, हर उसमें से लेके कुंदे में से इसको टाइट करके कसना है। देखो ऐसे सारे कुंदों में से एक एक बार हमें बांध देना है ऐसे करके टाइट खींच के। तो हमने इसको पूरा फूल बना लिया है और ये बांध के पूरा तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो और ये सुंदर भी लगता है। और आप इसका कुछ भी बना सकते हो, थाल पोस, बेडशीट, तकिया कवर, टीवी कवर, कुछ भी ड्रेसिंग टेबल का कवर बना सकते हो। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखो ये हमें फूल बना कर तैयार कर लिया है। तो हम इस पर यहाँ से धागा डाल के पीछे से ये मोती है, हम इसको ऐसे इस पर मोती लगाएंगे। ये हमने इस पर मोती लगा दिया। तो देखो हमने ये सात बनाए हैं। तो ये वाला हम बीच में ऐसे 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 ये हमारा ऐसे हम सात फूलों का थारपोस बनाएंगे। तो हम इनको आपको जोड़ के बताएंगे। तो हमारे पिंक कलर है तो हम इनको मोती लगा के सातों पे ऐसे हमने लिया। फिर हम दूसरे वाले में से ऐसे निकाल के ऐसे ऐसे हम सबको जोड़ देंगे। तो फिर दिखाएंगे हम आपको कैसे इसको हम जोड़ते हैं। देखो अब इसको हम जोड़ते हैं। एक दो, हमने दो चेन बनाई। फिर इसको हमें इस फूल में से ऐसे डाल के इसको क्रोशिया से ऐसे डबल बुनना है और फिर दोबारा इसको डबल फंदा लेके ही इसको बनाना है। फिर दो चेन बनाई, एक दो। फिर इसको इस वाले में से ऐसे डबल कुंदन लेके ऐसे इसको हमें पूरा फूल हम बना के इसको तैयार करते हैं। फिर दूसरा फूल तब जोड़ेंगे इसमें। तो देखो हमने इसका
चारों तरफ से बॉर्डर बना दिया है और हमने इसको ऐसे जोड़ा है इसका बॉर्डर। ये एक चैन बनाई और ये हमने सारे धागे ले लिए ऐसे। ऐसे इसमें से हमें तीन बार लेना है एक कुंदे में से ऐसे। ऐसे फिर एक चैन बनाई फिर हमने इसको यहाँ से ऐसे इससे जहाँ से हमने पहले शुरू किया था हमने इसको यहाँ पे बंद कर दिया है। ये देखो ऐसे इसमें से निकालेंगे ताकि ये एक सा हो जाए। देखो ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब घेरा हमने चार तरफ घेरा सात फूल का है ये 1 2 3 4 5 6 7 और बीच में हमने मोती भी लगा दिए हैं। तो देखो ये हमने चारों तरफ बॉर्डर बनाया है। तो दोस्तों ये बनके तैयार हो गया। आपको ये अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।